देश में हर रोज चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें चोरी करने वाले शख्स की हालत खराब हो गई। दरअसल आपको बता दें कि एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से सरकारी शराब की दुकान में छेद करके अंदर घुसा था। उसने सरकारी शराब की दुकान में घुसने के लिए अपने हाथों से उसकी दीवार पर छेद किया था, लेकिन उसकी हालत तब खराब हो गई जब वह अपने द्वारा बनाए गए छेद में फंस गया। मौके से गुजर रही पुलिस ने जब शोर सुना तो फंसे चोर को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, और बाद में ये बात पता चली कि सरकारी शराब की दुकान में पीछे की दीवार से छेद करके दो चोर अंदर घुसे थे। एक चोर आराम से बाहर निकल गया जबकि दूसरा चोर उसी छेद में फंसा रह गया। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुका है। चोरी की ये घटना चेन्नई के तिरुवल्लूर की बताई जा रही है। यहाँ एक सरकारी शराब की दुकान का सेल्समैन शनिवार रात को दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। सेल्समैन के जाने के बाद दो चोरों ने दुकान में चोरी की नियत से पीछे की दीवार को तोड़कर उसमें छेद बनाया और चोरी करने की कोशिश की। दोनों ने दुकान के भीतर बैठकर शराब भी पी, और शराब पीने के बाद एक चोर आराम से दुकान से बाहर निकल गया जबकि दूसरा चोर अपने बनाए हुए छेद में फंस गया। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।